ये एक प्रशासन ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें सभी मस्जिद के मुअज्जिन और इमाम साहिबात और काजी साहब और हम सबको बुलाया था, जिसमें उनका कहना था कि ये कोरोना वायरस जो है ये बहुत तेजी से फैल रहा है और तीसरे वीक में जाने पर ये घातक हो सकता है और मस्जिदों की जो नमाजें हैं वो उसमें भीड़ ज्यादा इकट्ठी होती है, इसलिए कोशिश ये की जाए कि मस्जिदों में नमाज अदा ना की जाए। इसलिए सब लोगों ने यहाँ पर जो आए हैं इमाम साहिबान और उन लोगों ने यह तय किया है कि सिर्फ मस्जिद के अंदर इमाम साहब और मुअज्जिन साहब ये दोनों ही लोग जो है नमाज अदा करेंगे, बाकी सारे लोग जो हैं वो घरों में नमाज अदा करेंगे। मस्जिद में अजान होगी लेकिन नमाज सिर्फ हर मस्जिद में दो लोग ही अदा करेंगे और अगर हालात और बिगड़ते हैं तो वो दो लोगों की नमाज भी प्रशासन बंद कर सकता है और मस्जिदें जब तक हालात नहीं सुधरते जब तक के लिए बंद रहेंगी। इसलिए जुम्मे की जो नमाज है वो जुम्मे की नमाज भी जब तक हालात सुधरते नहीं है अदा नहीं की जाएगी, इसलिए सारे लोग अपने अपने घरों में जोहर की नमाज अदा करें।